जी रूप गुरु सो अर्ज करे गुरु मारे सामी तो कहो अरे भाई की आया वो गुरुदेव राय रूपा जमले पधारो रे रूपा भाई जागरण में पधारो रे जमले पधारो रे रूप भाई जागरण में पधारो रे ओ केम करीने गुरु आऊं रे नुगरा रावण माल जागे रे ये सुता रावण माल जागे रे ओ जी केम करे ने गुरु आऊं नुगरा रावण माल जागे माता मैंने सुनना आप लोग भी सुनना युवा लोगों कि जैसे इंसान की जो उम्र है वो पहला 100, 125, 150 साल होती आजकल कम हो गई तो इस दुनिया में जितना भी जीव है सबकी अपनी अपनी उम्र है कुत्तो है 15-1 साल जीवे है ना इंसान 100-150 साल जीवे जो कछुआ है वो 200 साल जीता है जैसे नीम का पेड़ है वो 500 साल तक खड़ा रहता है तो उसी प्रकार से जो रेंगने वाले जो सांप होते हैं ना सांप की उम्र बहुत होती है वो 600-800 साल मोटा मोटा अजगर तो 1000-1000 साल जी जाओ रानी रूपांदे जी ने एक धर्मरो भाई तो पिछले जन्म रो हमारे ये भजन गाने वाले बुजुर्ग कहते हैं कि भी जो नाग रो नाम तो ताको नाग और लारले जन्म रूपांदे जी ने जो पिछलो जन्म तो उसमें उसका वो भाई बना था भाई इसलिए बना था कि नाग रे फण माते बावली रो कांटो लाग गयो नाग दर्द में थो रूपांदे जी ने दया आई डरी नहीं वो कांटो निकाल दियो तो वो नाग जो थो वो वचन दियो तो कि भाई आज सु आज मैं थारो भाई हूं मारी उम्र तो घनी है थने बीजो जन्म मिलेला लेकिन तू किणी भी जन्म में मने याद कर जे मैं थारे वास्ते हाजिर बोला रूपांदे जी ने अचानक याद आई कि आज भाई ने बुलाओ तो ए निंदिरा मंगा वो हारा है रे रे डोलिए सांपड़ला पोडावो जी हां डोलिए सांपड़ला पोडावो जी इतनो करे ने रूपा हाल यारे आया रिखियो दे दरबारा रे आया रिखियो दे दरबारा रे हो जी नाग आ गयो बोले बहन आज घना सालों में याद किया कहीं होयो एक ठेका बजाओ बोले भाई आज गुरु महाराज आयोड़ा है और मने सत्संग में जानो है लेकिन मारे पति देवरो हबाव आकरो गणो है बे रात्रो बिछोड़ो चेक करेला और मैं यदि नहीं मिली तो गजब हो जावेला एक काम करो
आप आज मारे बिस्तर माते आप पौट जाओ, मैं आपरे ऊपर बिछोन उड़ा दो, और कोई आवे तो फूफाड़ो भी जो मत कर जो, चुपचाप बोला बोला पोड़ा रीजो, और प्रभात तू पहला मैं पाची महल में आ जाऊं। बोले निंद्रा मंगावो हारा हेररी ढोलिए सांपड़ला पौडावो, और इतरो करे ने रूपा हालिया, बाहर आया तो पहरेदार रोक ले। बोले रानी जी राजा रो मना कीड़ो, रात रा आपने बार नहीं जावण देवा। रानी रूपांती जी अपनो सारो गहणो उतार के दियो कि ते तो आप मौज करो, मौज करो, थारी नौकरी माते कोई खतरो नहीं है, और सुबह राजा उठे उनु पहला मैं पाछी आ जाऊंला, लेकिन मने जावण दो। रानी रूपांती जी गया, और उन दिन चंद्रावल हीरो राख्यो। सभी बहनों से माताओं से चंद्रावल हर समय कोशिश में लगी रहती थी कि कदे न कदे तो रूपा देने में पकड़ाऊं। रानी रूपांती जी जो ही मेल उपार पधार्या तो लारे चंद्रावल एक खवाजी ने लारे लगा दिया। बोले क्या जठे भी जाओ, मने कोई न कोई निशानी लार दे। रानी रूपांती जी जार मोजड़ियों अपनी बाहर उतारी, सत्संग ने अंदर गया तो भजनी आयोड़ा, सत्संग आयोड़ा, भगत आयोड़ा। रानी रूपांती जी अपने गुरु महाराज ने घनी घनी खम्मा कर और कहीं कहो देखो, ए सब रे संतों ने रामा राम जीरे मारा गुरु ने गण खम्मा रे, मारा गुरु ने गण खम्मा रे। आशीर्वाद ले नीचा बैठा, भजन सुनाया, गुरु महाराज ने आवणो पड़ेला सवरा आवणो पड़ेला, और आज री सत्संग में थाने आवणो पड़ेला। पहला रे जुगा में राजा हरिश्चंद्र आया और 5 करोड़ तपसी तारना पड़ेला, दूजा जुगा में राजा बलिचंद आया 7 करोड़ तपसी तारना पड़ेला, तीजा युगों में राजा जेठल आया 12 करोड़ तपसी तारना पड़ेला। ऐसा ऐसा भजन सुनाया। रात गई, प्रभात को वक्त होने लागो। रानी रूपांती जी ने मन में याद आयो कि पाछो महल भी जानो। अब देखो रात रा जो खवाजी लारे जो लगाया चंद्रावल, वे खवाजी ले जा, और रूपांती जी ने मोजड़ियां जटे उतारी, उनमें एक मोजड़ी चुराई और रावण मालदेव जी ने जगा दी। चंद्रावल कहो कि पतिदेव थे तो बड़े सुख भर नींद में पोड़ा हो, और आज रानी रूपांती मेला में कोनी है। आ ए बत्तियों बुजोनी हारा है रीरे नुगरा रावण माल जागा रे, नुगरा रावण माल जागा रे। रावण माल जी जार देखे तो देखो नाग तो नाग है। अभी हम तेजराज सिंह जी के घर से निकले तो वहां से उनके घर से वो सुबह मुझे बता रहे थे कि यार सुबह हमारे घर में नाग घुसा था, आपने जैसे हमारे घर में कदम एंट्री रखी नाग यहां से बाहर निकल गया, मैंने तो अपनी आंखों से भी देखा। अबे नाग तो नाग था, पगड़ा ये मोजड़ियों चर्र चर्र बाजी, तो खट से वो तो चतुर होता है, फट सु फुफाड़ो करियो बिस्तर माते बैठो हो गयो। रावण मालती जी देखियो रूपा दे रहे बिस्तर माते नाग, लेकिन नाग ने देखते ही वे खुद ही दूज गया, बार दौड़ा लेकिन हाथ में तलवार ले और महल से बाहर निकला कि आज तो रूपा दे यदि कटी रस्ते में मिल गई तो रूपा दे रो माथो बाढ़ दो लाज। अरे हौकड़ी हेरी में हो मीरा रे रोनी कवेला हिन ज्ञाता दे, रोनी कवेला हिन ज्ञाता दे। आ
भाई रूपा देव जी की मोजड़ी है गायब, तो उड़बाना पगा। रूपा देव जी मेलों में आ रही है, रावण मालदी जी हम ही आ रहा है, और एक काली अंधारी रात में दोनों आमने सामने मिल गया। रावण मालदी जी बड़ा क्रोधित था, बोले रूपा दे सही सही बता जो कटे गया था। अब रूपा दे कहीं कहवे, क्योंकि कहते कि मैं सत्संग में गई तो भी वो तलवार काटी उड़ी ही बात, लेकिन फिर भी गुरु महाराज रो आसरो थो, ठाकुर जी की कृपा थी। रानी रूपा देव जी के हाथ में थाली थी फूलों, गुरु महाराज वास्ते प्रसाद फूल ले गई थी, लेकिन गुरु महाराज ने चढ़ा दी तो वह थाली खाली थी। रानी रूपा देव जी गुरु महाराज ऐसी कृपा कर दी कि रानी रूपा देव जी ने मुंडा वो निकल गया, बोले पिया जी हाथ जोड़े ने रूपा बोलिया रे आपने फूल बीण बाग्या तारे, दोनों हाथों को उठा गए आपने फूल बीण बाग्या तारे। एक रावण रूपा सांबड़ो रे रानी फूल कथा सुनाया रे, रानी फूल कथा सुनाया रे। पहली बारी रे डरे डूंगरे रे दूजी बेकुंठा रे माही रे, दूजी बेकुंठा रे माही रे। ए तीजी बारी रे हारा हेर मेरे चौथी रखियो रे बर्बादा दे, चौथी रखियो रे बर्बादा दे। ओ जी रावण मालदेव जी देखियो तो रानी रूपा देव जी ने थाली में फूलारो बाग लगा दियो, भगवान बोले ठाकुर जी महाराज चार भुजा ना अलख निरंजन भोले शंभु। अब देखियो बे तो निराई नुगरा हा, मारे लेनो देनो कई भक्ति, लेकिन लागी लागी सब कहे और लागी नहीं लगा, और लागी हरी रे नाम री वा भी कले जे पार, जैसे खेताराम जी रे लागी। रावण मालदेव जी रो बागो फाट गयो, आंखा निकल गई बारे, बोले फूल और धोरा धरती में फूल आकठू लाई, बोले हे रानी वो जो मार्ग है वो मार्ग मने भी तो बताओ, क्योंकि मैं तो अभिमानी आदमी हूँ अज्ञानी आदमी हूँ मने ज्ञान नहीं। रानी हे रानी आज आपने चमत्कार रे आगे और राजा नतमस्तक है, आप मने भक्ति रो पंथ बताओ, मैं भी भक्ति करनी चाहूँ, ये मनुष्य जन्म रो कल्याण करनी चाहूँ, सारा खोटा काम छोड़ दूला, लेकिन मने भक्ति रो मार्ग आप बताओ। अरे पहला मारो रे मोबी दीक रो रे पछे हंसा वालो घोड़ो रे, ए तीजो मारो रे गौरो पाछड़ो रे चौथी चंद्रावण रानी रे, चौथी चंद्रावण रानी रे। हो जी चार अलग अलग बातें परीक्षा करने के लिए कही, क्या कहा कि पहला मारो मोबी दीकरो यानी पुत्र का मोह रहा कि नहीं रहा, क्योंकि माया ने काया दोनों, मत कर धनवंती धनरो गाड और मत कर पुत्रों रो अभिमान, और ये माया और काया दोनों पावणी जातों नी लागे इनने वार। बोले पहला तो थारो जो प्रिय दीकरो बिने खत्म करो तो मानो कि थी भक्ति कर सको, पहला मारो मोबी दीकरो और दूजो हंसा वालो घोड़ो, ये घोड़े रे प्रति बड़ो प्रेम थो, और तीजो मारो गौरो बाछड़ो यानी मन में दया भाव पनपी कि नहीं पनपी, और चौथी चंद्रावल रानी जो भोग में डूबोड़ा हो वो भोग सो मन व्यक्त हुआ कि नहीं हुआ, ये चार चीजों की परीक्षा करने रे बाद में रानी रूपा देव जी जब कहो तो रावण मालदेव जी तलवार निकाल और घोड़ा पर वार करने लगा। रानी रूपा देव जी बीच में हाथ पकड़ लिए, बोले पिया जी मैं आपने कोई हकीकत में इन चीजों ने मारने वास्ते थोड़ी कहो, आपने मन में जो मोह है ना
अपने मन में जो ये इसके प्रति जो आसक्ति, उस आसक्ति को खत्म कर दो और ये मोह खत्म हो गया तो फिर भक्ति भक्ति है। रावण मालदेव जी को बात समझ में आ गई। रानी रूपांदे जी, रावण मालदेव जी ने भक्ति रो पंथ बताता हुआ कहो, अरे होई जाबो संत सुधारो थारी काया जी, अरे होई जाओ संत सुधारो थारी काया जी, अपने धनियों रा मार्ग छीणा वो रावण मार, समझोड़ा वो तो झीणोड़े मार्ग हालो जी, ते रथ घोड़ो ने धीमा हाको वो रावण मार, होई जाओ संत सुधारो थारी काया जी। एक तरीके से बजाओ, दूसरा धागो खींचो, उंडा उंडा नीर अथंग जड़ भरिया भरिया जी, अरे तेरुड़ारो थाग नहीं आयो रावण मां, गड़बर नीम निमोलिया जारी मीठी जी। आप नीमड़े के पेड़ के नीचे बैठे हो, रानी रूपांदे जी कहो कि नीमड़ारो पेड़ खारो है पर निमोली मीठी कुण करी। आप तो उन्हें पतो लगाओ कि नीम जब पूरो वृक्ष पूरो दरखत खारो है तो फिर मीठी नीमोली की करो ही, और ये नीमोली ने मीठी बनाई कौन बनाई उसका पता लगाओ आप। कड़वा रे नीम नीमोलिया जारी मीठी जी, कुण नरे मिसरी मिलाई है वो रावण मां, बेट हतायो माल जी झूठ मती बोलो जी, पत पोतारे वाली जावे वो रावण मां, उजड़ के तुम माल जी बीज मती बावो जी, आसल हाथ कोनी आवे वो रावण मां, होई जावो संत सुधारो थारी काया जी। ओ जी दोई कर जोड़ रानी रूपांदे जी बोले जी, अपने धनियों रा मार्ग छीना वो रावण मां, होई जावो संत सुधारो थारी